कि जरा थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर आज किसी परिवार को अदालत से या किसी पुलिस स्टेशन से कोई समन आ जाए या कोई नोटिस आ जाए पेश होने के लिए, तो उस परिवार की स्थिति या उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? इस समन को देखने के बाद उस परिवार के चेहरे का रंग शायद फीका पड़ जाएगा और चिंता की लकीरें आपको किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर साफ नजर आएंगी, पसीना आने लगेगा और वो व्यक्ति शायद थोड़ी देर के लिए सदमे में आ जाएगा। ये हर किसी के साथ होता है। आपको भी अदालत का या पुलिस स्टेशन का कोई नोटिस ऐसे ही आ जाए तो आपके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल जाएंगे। लेकिन आज आप मनीष सिसोदिया के खिलखिलाते हुए इस चेहरे पर ये शानदार हंसी देखिए, और ये हंसी उनके चेहरे पर तब है जब उन्हें शराब घोटाले के मामले में आज अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उनकी जमानत को भी नामंजूर कर दिया, यानी अब उन्हें काफी दिनों तक जेल में ही रहना पड़ सकता है। पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, ईडी भी गिरफ्तार कर चुकी है, जेल से अदालत से कोई राहत नहीं मिल रही, जेल में काफी दिनों तक रहना पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद भी जब मनीष सिसोदिया कोर्ट रूम से बाहर निकले तो इस दौरान उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई शिकन या चिंता का कोई भाव नहीं था, बल्कि उनके चेहरे पर गर्व से भरी हुई एक मुस्कुराहट थी। अब या तो ये समझ लीजिए कि ये ईमानदारी के गर्व की मुस्कुराहट हो सकती है, कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो इतने ईमानदार हैं, वो कट्टर ईमानदार हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा, या फिर ये कुछ और भी हो सकता है। उन्हें सच ये है कि मनीष सिसोदिया को आज अदालत में 2,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें जमानत देने से भी इनकार कर दिया और उन्हें 17 मार्च तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड में भेज दिया। लेकिन जब मनीष सिसोदिया अदालत से बाहर निकले तो उनका चेहरा ऐसे खिलखिला रहा था जैसे वो एक क्रांतिकारी हैं और हंसते हंसते सारे सरकार के जुल्म सह रहे हैं। यानी इस हंसी में भी एक नैरेटिव है, और ये नैरेटिव हर वो नेता गढ़ने की कोशिश करता है जिसे भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाना पड़ता है और अदालतों में पेश होना पड़ता है। तो एक मनीष सिसोदिया तो देख लिया आपने, अब ये देखिए, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी, जिनका नाम है के कविता, उन्होंने एक भूख हड़ताल की। उनका कहना है कि यह भूख हड़ताल उन्होंने महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर की है, लेकिन सच यह है कि उन्हें महिला आरक्षण की याद तब आई जब ईडी दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में कल यानी 11 मार्च को उनसे पूछताछ करने वाला है, और उससे एक दिन पहले उन्हें महिलाओं के ये मुद्दे याद आ गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी इस भूख हड़ताल में उन तमाम पार्टियों के नेता शामिल भी हो गए जिन पर भ्रष्टाचार के अलग अलग मामले चल रहे हैं, जैसे इनमें शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी की टीएमसी है और लेफ्ट पार्टियां भी हैं। ये तमाम पार्टियां आज की इस भूख हड़ताल में शामिल हुई, और ये हड़ताल शायद तस्वीरें खिंचवाने के लिए बुलाई गई थी, क्योंकि ये सुबह देर से शुरू हुई और शाम को 5 बजे समाप्त भी हो गई, यानी कुछ ही घंटों की डिजाइनर हड़ताल थी। मीडिया के लिए और तस्वीर खिंचवाने के लिए ये बुलाई गई थी, शानदार भव्य आयोजन था, नाम दिया गया था भूख हड़ताल का। आपने नोट किया होगा कि अब हमारे देश में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि अब ये सारे नेता खुद को एक विक्टिम बताते हैं, और ये सारे ही नेता इस दौरान ये कार्ड खेलते हैं जिसे कहते हैं विक्टिम कार्ड, और मैं अक्सर आजकल इस कार्ड को अपनी जेब में ही रखता हूं। आप भी कहते होंगे कि मैं बार बार ये कार्ड आपको दिखाता हूं, लेकिन ये कार्ड मैं आपको तब तक दिखाता रहूंगा जब तक आप इस कार्ड की सच्चाई को समझ नहीं जाएंगे, और जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये सारे नेता अपनी जेब में यही विक्टिम कार्ड लेकर चलते हैं। देखिए, और मैं आपको करीब से दिखा देता हूं, ये है वो विक्टिम कार्ड जो इन सब नेताओं की जेब में रहता है। अब हर नेता इस विक्टिम कार्ड को अपनी जेब में रखता है, और जब वो भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसते हैं और जेल जाते हैं तो इसी कार्ड को एनकैश करा लेते हैं और दुनिया को बताते हैं कि वो असल में सरकार की ताकत का शिकार हो रहे हैं, और इसे लेकर हमारे समाज के जो लोग हैं, देश के लोग हैं, वो भी इस विक्टिम कार्ड को देखकर कई बार पिघल जाते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड ऐसा है जो हर एटीएम पर चलता है, और जब आप इसे एनकैश करते हैं तो इसके बदले में आपको बहुत सारी भावनाएं मिलती हैं। क्या आप अपने साथ
बस में या ट्रेन में सफर करने वाले एक साधारण से व्यक्ति को कभी बड़ा आदमी मानेंगे? आप बस में जा रहे हैं और आपकी बगल में एक व्यक्ति बैठा है सीट पर, क्या आप उसे कभी बड़ा व्यक्ति मानेंगे? एक व्यक्ति रिक्शा में जा रहा है, आप उसे देख रहे हैं, क्या आप उसे कभी बड़ा व्यक्ति मानेंगे? एक व्यक्ति टू व्हीलर पर जा रहा है, आप उसे बड़ा आदमी मानेंगे? शायद आप उसे बड़ा आदमी कभी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आप ही के सामने एक बड़ी महंगी सी एसयूवी से आपके सामने उतरे, जिसने शानदार ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हो, महंगी घड़ी पहन रखी हो और देखने में अमीर दिखता हो, तो शायद आप भी एक कदम पीछे हो जाएंगे सम्मान में और उसकी गाड़ी को देखकर उसे शायद बड़ा आदमी मान लेंगे। क्योंकि हमारे समाज में बड़े आदमी का मतलब होता है पैसा, और फिर चाहे वो पैसा किसी भी तरह की बेईमानी से कमाया गया हो, कोई नहीं पूछता। और इन्हीं डेलीगेट्स ने कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी का चुनाव किया है और सेंट्रल कमेटी ने पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों का चुनाव किया, और इसके बाद पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों ने 7 सदस्यों की सबसे बड़ी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को चुना, और फिर इसी कमेटी के द्वारा नेशनल पीपल्स कांग्रेस के विशेष सत्र में शी जिनपिंग को आज चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति चुन लिया गया। और इस तस्वीर की आज पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। तो वहां का जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ विधानसभा और लोकसभा से थोड़ा अलग है। उनका जो सिस्टम है अपने राष्ट्रपति को चुनने का, वो आपकी स्क्रीन पर है। डेलीगेट्स होते हैं, वो सेंट्रल कमेटी चुनते हैं, सेंट्रल कमेटी पॉलिट ब्यूरो को चुनती है, फिर पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को चुना जाता है, और फिर ये पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी राष्ट्रपति का चुनाव करती है। ये 7 लोग होते हैं पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में, और ये 7 लोग तय करते हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इसके अलावा आज के सत्र में शी जिनपिंग की तरफ से ये भी कहा गया कि वो चीन की घटती जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नीति लाएंगे जो प्रभावी भी होगी और जिसकी मदद से चीन की आबादी में स्थिरता लाई जा सकेगी। चीन में थर्ड चाइल्ड पॉलिसी आने के बाद ये पहली बार है जब वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने जन्म दर बढ़ाने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी नीति लाने का फैसला किया है। और चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां लोग इंसेंटिव मिलने के बाद भी अब बच्चे पैदा नहीं कर रहे और चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। तो चीन की सरकार चाहती है कि वहां लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन लोग अब बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते क्योंकि लोग अपने रोज के आम जीवन के संघर्ष में इतने व्यस्त हैं कि वो बच्चों को ना तो पाल सकते हैं और ना ही बच्चों को पालने के लिए जो पैसा उन्हें चाहिए, ना पैसा है ना समय है। वर्ष 2022 में 61 वर्षों के बाद ऐसा हुआ था जब चीन में जन्म दर मृत्यु दर से कम रही थी, और इस समय चीन की स्थिति यह है कि वहां युवा आबादी घट रही है और बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ रही है, यानी चीन अब बूढ़ा हो रहा है। और अमेरिका के एक थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर का यह अनुमान है कि अगर चीन की आबादी में इसी तरह गिरावट जारी रही तो वर्ष 2100 तक, यानी आज से 77 साल बाद, चीन की आबादी घटकर सिर्फ 76 करोड़ रह जाएगी। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, चीन की आबादी सिर्फ 76 करोड़ रह जाएगी आज से 77 साल के बाद। और आज हम ये नहीं कह रहे कि हम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग का कोई यहां आपके सामने तुलना कर रहे हैं, क्योंकि तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन दो बातें कौन सी हैं? पहली बात यह कि भारत की व्यवस्था रशिया और चीन की व्यवस्था से बहुत अलग है, राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था। क्योंकि रशिया में इस समय लिमिटेड डेमोक्रेसी है, यानी बहुत सीमित लोकतंत्र है, बहुत सीमित अधिकार हैं लोगों के पास, और चीन में डेमोक्रेसी है ही नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं। और भारत में इस समय फुल डेमोक्रेसी है, इतने बड़े साइज का भारत अकेला देश है पूरी दुनिया में जहां पूर्ण लोकतंत्र है, फुल डेमोक्रेसी है। तो यह फर्क है इन तीन देशों में। दूसरी बात यह कि इन तीनों देशों के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी उम्र में सबसे बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 72 वर्ष के हैं, पुतिन 70 वर्ष के हैं और शी जिनपिंग 69 वर्ष के हैं। तो ज्यादा अंतर नहीं है, 69, 70 और 72। लेकिन ये तीन नेता अब दुनिया के ऐसे हैं जो लगातार इतने वर्षों से राष्ट्राध्यक्ष बने हुए हैं, या समझ लीजिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि भारत में नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह घटना चीन में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से बहुत अलग और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप इस चित्र के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब एक चित्र आपको दिखाते हैं। इस चित्र में आप देखेंगे एक तरफ
प्रधानमंत्री मोदी हैं, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, समझिए इस बात को। प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव लड़ना होता है हर साल, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव होते हैं, उस चुनाव में हार जीत का जो दोष है या श्रेय है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाता है, उन्हें हर बार उनकी ताकत को तोला जाता है किसी भी विधानसभा चुनाव के जरिए, फिर 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं वो उन्हें जीतना होता है। इसके अलावा विपक्ष है, जनता का दबाव है, मीडिया है, चुनाव का दबाव है, एनजीओज हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना होता है और भारत के संविधान के हिसाब से चलना होता है, और इन सब का भार हमारे देश के प्रधानमंत्री के सिर पर हमेशा होता है। दूसरी तरफ शी जिनपिंग है जिन्हें किसी को जवाब नहीं देना, उन्हें ना तो चुनाव लड़ना है, ना किसी अदालत को जवाब देना है, ना अपनी जनता को जवाब देना है, ना ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जवाब देना है, ना उनके देश में कोई एनजीओ है, ना उनके देश में कोई ऐसा मीडिया है जो उनसे सवाल कर सके। और असल में ये सारी संस्थाएं, जनता, अदालत और एनजीओज असल में शी जिनपिंग के पैर के नीचे दबे हुए हैं। तो जो चीज शी जिनपिंग के पैर के नीचे दबी हुई है चीन में, वही सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर या सिर पर एक भार की तरह है और उन्हें इन सब का जवाब देना होता है। और सोचिए, शी जिनपिंग को बिना चुनाव जीते अब तीसरा टर्म मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अगर यह तीसरा टर्म मिला तो कितनी मुश्किलों के बावजूद मिलेगा। तीसरी बार भारत जैसे देश में चुनाव जीतना लगभग असंभव सी बात है। अब आपको यह बताते हैं कि शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से भारत और दुनिया के दूसरे देशों पर क्या असर होगा। पहला नुकसान यह होगा कि अब भारत और पूरी दुनिया को चीन के मामलों में शी जिनपिंग से ही डील करना पड़ेगा, बदलाव की अब कोई संभावना नहीं है। पहले यह उम्मीद होती थी कि भाई कोई नया नेता आएगा, हो सकता है चीन की नीतियां बदल जाएं, चीन को बाद में कुछ पछतावा होने लगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर शी जिनपिंग ने कोई गलतियां भी की हैं पहले, तो शी जिनपिंग उन्हें मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। दूसरा, चीन LAC पर अब और ज्यादा आक्रामक हो सकता है हमारी सीमा पर, और अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों के साथ उसकी कड़वाहट और बढ़ सकती है। तीसरा, इससे दुनिया में अब अस्थिरता और बढ़ेगी और अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका से दुनिया भर का व्यापार प्रभावित होगा। चौथा, दुनिया को चीन के बारे में कभी कोई सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी, और ये कितना खतरनाक हो सकता है हम कोविड की महामारी में देख चुके हैं। और पांचवा, इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के अच्छे दिन आ जाएंगे, क्योंकि ये देश आतंकवाद का केंद्र है और चीन इन्हें लगातार मदद भेजता है। इसके अलावा चीन के लोगों के लिए भी शी जिनपिंग का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब आपके लिए एक अपडेट, और वो ये है कि कल यानी शनिवार रात 9 बजे आप सीधी बात के तीसरे एपिसोड में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को देख पाएंगे। ये कपिल शर्मा का आज तक का सबसे गंभीर और संजीदा इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि वर्ष 2017 में जब वो डिप्रेशन के एक दौर से गुजर रहे थे, तब उनके मन में आत्महत्या करने का विचार एक नहीं बल्कि कई बार आया। इसलिए ये पूरा इंटरव्यू तो आप शनिवार रात 9 बजे देख पाएंगे, लेकिन आज इसके कुछ अंश मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और ये इंटरव्यू आपको बाकी इंटरव्यू से अलग लगेगा। कपिल शर्मा को जब आप देखते हैं तो देखते ही आपको हंसी आनी शुरू हो जाती होगी, क्योंकि वो हमेशा आपको हंसाते हैं। लेकिन एक कॉमेडियन के सीने में भी दर्द छिपा होता है, उसके पीछे भी एक कहानी होती है। इसलिए ये जो कपिल शर्मा का इंटरव्यू है, ये उनका अब तक का सबसे गंभीर इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने अपना दिल खोल कर आपको दिखा दिया है। आज के जमाने में लोगों को सबसे बड़ी चुनौती अकेलापन, डिप्रेशन, लो फील करना, यही है। राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी दौर से गुजर रहे होंगे। राइट। उन लोगों को आप आज क्या कहना चाहते हो? बड़ी अनयूजुअल एडवाइस है फ्रॉम अ वेरी अनयूजुअल पर्सन। सर, मुझे ना मुझे ये लगता है कि अलग हम सबकी लाइफ ना अलग है। जैसे आप लोनलीनेस की बात कर रहे हो, स्पेशली जब आप एक पब्लिक फिगर हो, आपको करोड़ों लोग जानते हैं, आप उनको एंटरटेन करते हो, घर आते हो आप अकेले हो। अब आप उस अवस्था में भी नहीं हो कि आप नॉर्मल लाइफ जी सको। आप बाहर जाके बैठ जाओ, कहीं समंदर किनारे जाके बैठ जाओ, पानी की तरफ देखते रहो, वो भी नहीं कर सकते आप।
आप एक घर में रह रहे हो, दो कमरों का फ्लैट है ना, शाम को अंधेरा हो गया, वो चीज़ें अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि कैसी बुरी फीलिंग होती है वो।